तो भैया अरे नमस्कार, आप सबका वीरेंद्र ब्लॉक में स्वागत बा और दिल से हार्दिक अभिनंदन बा। जे बड़े बुजुर्ग हाँ हमके गोड़ छुके गोड़ लागत ही, तो आज आपके हम भोपी में स्टेशन दिखाओ कैसे बना है, कितना पुराना, कौन गाड़ी है, आप रुकत है, प्लेटफार्म, बाकी सब कुछ दिखाओ। तो आप फ्रेंड कमरा आपको ले चलते भोपी में स्टेशन, तो इन्जॉय करा ब्लॉक में। नमस्कार। तो भैया अरे स्टार्ट करते ही देखा सामने से आपको फैजाबाद प्रयागराज हाईवे है के बगल से रास्ता आया है, शॉर्टकट छोटा रास्ता है भोपी मोड़ स्टेशन आने के लिए। तो आपको ले चलते हैं भोपी मोड़ स्टेशन की शुरुआत करी, बहुत पुराना स्टेशन आप और बहुत ज़्यादा ट्रेन ना रुकत, पहले कई ट्रेनें रुकत रही नहीं। तो ये सामने देखा भैया भोपी मोड़ स्टेशन आ, हाँ बहुत झील झंकार झंकार हो गया है एकदम पूरा, यही है आपको भोपी मोड़ स्टेशन। तो भैया है भोपी मोड़ स्टेशन जो ना बालोरपुर पानी पड़वा भोपी मऊ चौराहा के पास है, जिसमें बनारस और आपके लखनऊ हाईवे है वही पास है, और एक कोड है VPO। तो याद रखे भैया भोपी मऊ स्टेशन का कोड है VPO। चारों तरफ देखा बहुत वीराना वीराना है जंगल एकदम टाइप में। इधर पूरा देखा जंगल उंगल चारों तरफ जम गया है, पेड़ पौधा हर चीज। स्टेशन बहुत पुराना हो गया है भैया, साफ सफाई थोड़ा दिक्कत है सब कुछ। हाँ यही है, प्लेटफार्म बहुत छोटा है। और भैया अरे इधर से हमार पूरी पढ़ाई भाई इलाहाबाद गेंज ट्रेन पकड़ा रहे, सवेरे सरजू जात रही ये प्रतापगढ़ को आया भोपी मऊ अगल बगल, सब पता है सवेरे सरजू ट्रेन मिलत रही भैया, अब तो बंद हो गया है यहाँ रुक पे नहीं करत। और बढ़िया साधन रहत रहा सवेरे भैया, जल्दी से उठा नहा धोवा भागा जल्दी से, डेली अप डाउन कैले है भैया इलाहाबाद पूरी पढ़ाई। और यही है स्टेशन आपके, चारों तरफ आपको लोकेशन दिखाई देते हैं, थोड़ा ठीक ठाक है, प्लेटफार्म छोटा है, ज़्यादा स्टॉपेज गाड़ी कब ना आया है, पहले बहुत सारी गाड़ी चलती रही है सब रुकत रही नहीं। प्लेटफार्म देखा उखड़ पुखड़ गया है, अब सब नया बनने वाला है, डबल लाइन ही पास हो गया है, आगे काम चलता है। भैया अरे देखा ये बैठ के ट्रेन के इंतजार करते रहे, हाँ एक यादगार पल हुई है। और ये सब देखा अशोक का पेड़ बहुत बढ़िया चाहर, पेड़ वेड़ तो आजकल भैया रे कटा देता है लेकिन पेड़ बहुत फ़ायदा है पेड़ से। और फाटक बंद हो गया है, कौन सा ट्रेन आने वाली है। सामने से आवत है कौन ट्रेन भैया, तो आपको ट्रेनों दिखाई देते ही बहुत मौके पे सूट करते ही। भोपी मऊ स्टेशन है भैया, सामने से देखा प्रयागराज हाईवे आपके, और इधर देखा पाणीपुरवा गांव है, और सामने वहाँ क्रॉसिंग दिखा दिया है। प्लेटफार्म देखा भैया अरे उखड़ पुखड़ गया है, तो अब सब नए मॉडल में ही सब बने वाला है, पैसा ऐसा पास हो गया है तो टेंशन न ले, कुछ समय बाद एकदम भोपी मऊ स्टेशन चमचमाते हुए नजर आई। सामने आपको दिखाओ भोपी मऊ टिकट घर दिखाओ, लोकेशन बहुत अच्छा है भैया। अरे तो ब्लॉक में जे नया जुड़ा है चैनल सब्सक्राइब कर रहा, अपने प्रतापगढ़ भोपी मऊ अगल बगल वाले अपने भैया अरे हैं, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करा ठीक है, उसके साथ साथ आपको कॉमेडी वीडियो और डांस वीडियो सब कुछ बना के डालत है, तो देखा रहा सपोर्ट बनाए रहा, जहाँ कमी है कमेंट करा। और भैया देखा ये टॉयलेट आ, इसके तक बहुत गड़बड़ हो चुकी है,
सामने देखा फाटक है, ऊपर से ओवरब्रिज बना है, बनारस लखनऊ ओवरब्रिज आई। और आपके सामने पुराना टिकट घर दिखाओ, जब हम सब आवत जात रहे तभी टिकट मिलत रहा, वो दिखाओ। फिलहाल ही नया टिकट घर बन गया है, क्योंकि ज़्यादा ट्रेन के स्टॉपेज ना आया है तो टिकट वही आरपी के टाइम मिलत है। ये लोकल वाले हैं, उनको पता है आरपी गाड़ी यहाँ रुकत है, कि रात के पैसेंजर रुकत है, ठीक है। तो ये वेटिंग एरिया है आपके भोपी एमओ पे। तो भैया ट्रेन आवती है, ट्रेन का भैया देखा ही बीच में ट्रेन आवती है, मालगाड़ी गुड्स ट्रेन है कि पैसेंजर ट्रेन है एक्सप्रेस है। लाइन ड्रा करा बन गया माता जी अध्याय को पकड़े थे समझते हुए, उसमें इलेक्ट्रिक लाइन उड़ गया है, तो उसमें मालगाड़ी पर चल दिया है। तो ये देखा फाटक बंद है, बीच का कहते हैं आप, तब आप दिखाओ तो गोपियों को वेटिंग हॉल दिखाओ, टिकट घर दिखाओ। ये वेटिंग हॉल है, प्रतीक्षालय। ये आपको देखा समय सारणी, किराया सोची सब लिखा है, कौन ट्रेन रुका थे, ठीक है। और गोपियों को टिकट घर आ भी गई, बगल देखा जंगल मंगल पूरा है चारों तरफ, तो फाटक खुल गया है, आदमी देखा आवत जाता। अब टिकट ही मिला भैया, पहले देखा सामने जो घर है पहले ही टिकट मिलता रहा, पुराने जमाने में जब हम सब रहे। नीचे से रोड गए हैं कटरा होते हुए मोहनगढ़ सुपाल नगर है बरेली, मतलब हाईवे का अगवा जैक मिल गया है। नीचे अंडर पास काम चलता है भैया, सामने देखें एक समय यह मालगाड़ी उलट की रही, तो वही मालगाड़ी के डब्बा पे आप एम टिकट घर बना दिए रहे, आदमी यहाँ रुकत रहे। पुराना टिकट घर यही आपके है, ये दिखाई देते हैं, पहले टिकट यही मिलता रहा, स्टाफ काफ़ी ज़्यादा ही रहा, स्टेशन मास्टर है, नहीं सब यहीं पर वजन वजन होता रहा, ये सब अब तो पुराने जमाने की बात हो गया है, चपकट पड़ गया है। अब देखो भैया देखा लिखा है पहले ही टिकट हम लेते रहे, पुरानी याद हो ये सब कुछ, अब सब उखड़ पुखड़ ही हुआ। भोपी में मुझे अगल बगल वाले लोकल जो याद भी रहे सबको पता रहा, वेटिंग हॉल ही बना रहा है, टिकट उकट मिलता रहा, लाइट वाइट और बहुत पुराने जमाने कुआ रहा, स्टाफ रहने के लिए कॉलोनी रही, ये सब बना, जब तक इलेक्ट्रिसिटी भरा ये सब हुआ, सब धीरे धीरे समाप्त ही हुआ। अंडर ओवर पास का काम चलता है, ऊपर जो ऊपर उसका है नीचे से बन गए, तो अटक अटक तो बन गई, तो वो क्रॉसिंग है। ये आपके भोपी में फाटक है, ये गेट पे ना फाटक बंद कर रखे आपको, ये कोई इधर आया भैया सामान जरूर इनके लिए लिया, बहुत सस्ता सामान लेते हैं ऐसी बाइक हैं। ये हैप्पी भाई है भैया, देखा हैप्पी भाई की दुकान यहाँ बहुत पुरानी दुकान यहाँ है, हमारे पुरान मित्र हैं भैया, अरे इनके दुकान पे आवाज जरूर सामान वामान लगा। तो भैया अरे दिल से धन्यवाद, प्रतापगढ़ भोपियामो के अगल बगल वाले जो है भैया कमेंट करके देख लिखा कहाँ से देखा था, और हमारे ब्लॉग में बना रहा आप सबका बहुत दिल से धन्यवाद, और ऐसे अपन प्यार दुलार बनावत रहा भैया, नमस्कार।